नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ब्रिक्स बाय ब्रिक्स में। और आज हम लोग आए हुए हैं सेक्टर 150 नोएडा में, और आज हम लोग देखेंगे ATS पाया साइडवे प्रोजेक्ट में 3 BHK स्टडी फ्लैट के सैंपल वीडियो, जिसका साइज होगा 1675 स्क्वायर फीट। और साथ ही हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में और जानेंगे पायर्स हाइडवे के बारे में। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे पायर्स ऑर्चर्ड्स के बारे में, जो कि इसी प्रोजेक्ट का फेज़ 2 है। वो बेसिकली एक न्यूली लॉन्च फेज है जिसको पायर्स ऑर्चर्ड्स के नाम से जाना जाता है। मेनली आपको वहाँ पर बड़े साइजेस मिल जाते हैं, लाइक 2350 स्क्वायर फीट एंड 3200 स्क्वायर फीट, आपको दो ही साइजेस वहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में। तो ये बेसिकली लोकेटेड है सेक्टर 150 नोएडा में। सेक्टर 150 के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, मैंने काफ़ी सारी वीडियो सेक्टर 150 पे अपलोड करी हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको एक फ्लोर पर केवल 2 फ्लैट मिलते हैं, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर डेलाइट, प्रॉपर सनलाइट यहाँ पर सभी अपार्टमेंट्स में मिलती है। आपको सभी अपार्टमेंट से 2 साइड व्यू आता है, आपको सोसाइटी का इनर पार्क का व्यू आता है और आपको रोड फेसिंग का भी व्यू आता है। इसके अलावा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में आपको 24 एकड़ का गोल्फ कोर्स मिल जाता है, क्योंकि ये सेक्टर एज ए स्पॉर्ट सिटी बन रहा है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एमिनिटीज सेक्टर के अंदर ही मिल जाती हैं, लाइक क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस एकेडमी और भी सारी काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको सेक्टर के अंदर ही मिल जाती हैं। और विद इन द प्रोजेक्ट आपको लॉन टेनिस एकेडमी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सारी मॉडर्न एमिनिटीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी लग्जूरियस क्लब हाउस मिलता है। इसके अलावा आपको बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंग, एम्फी थिएटर, इस तरह की फैसिलिटीज मिल जाती हैं। दैट मीन्स आपको सारी मॉडर्न एमिनिटीज मिलती हैं जो भी हाई राइज अपार्टमेंट्स में होती हैं। और बात करें प्रोजेक्ट के टोटल लैंड एरिया की, तो ये टोटल 18 एकड़ की लैंड है जो कि डिवाइडेड है फेज़ 1 और फेज़ 2 में, जिसमें फेज़ 1 को जाना जाता है पायस हाइडवे के नाम से, और फेज़ 2 की बात करें तो उसको जाना जाता है पायस ऑर्चर्ड्स के नाम से, जो कि इनका न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है एक तरह से। तो अब बात करें साइजेस की, तो यहाँ पर आपको पायस हाइडवे में मेनली आपको छोटे साइजेस मिल जाते हैं। वहाँ पर आपको 3 साइज मिलते हैं, 1400 स्क्वायर फीट, 1615 स्क्वायर फीट, जो कि 3 BHK के अपार्टमेंट होते हैं। एक साइज होता है 1675 स्क्वायर फीट, जो कि 3 BHK प्लस स्टडी का फ्लैट होता है। इसी तरीके से बात करें पायस ऑर्चर्ड्स की, तो मेनली आपको वहाँ पर 2 साइज मिलते हैं। सबसे छोटा साइज होता है 2350 स्क्वायर फीट, जो कि 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट रूम का फ्लैट होता है। और सबसे बड़ा साइज होता है 3200 स्क्वायर फीट, जो कि 5 BHK प्लस सर्वेंट रूम का फ्लैट होता है। और बात करें प्राइसिंग की, तो यहाँ पर प्राइस फ्लोर टू फ्लोर और फेस के हिसाब से वेरी करता है। मैं फिर भी आपको एक पर स्क्वायर फीट का आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पर प्राइस 6000 स्क्वायर फीट से लेकर 6500 स्क्वायर फीट के बीच में होता है। इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस होते हैं। तो अगर आप प्राइसिंग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं सीधा सैंपल फ्लैट पर और देखते हैं सैंपल फ्लैट की वीडियो, जिसका साइज होगा 1675 स्क्वायर फीट। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं।